हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगाएंगे उसका। तो यहाँ पर मैंने 4 कप मैदा ले लिया है। इसमें हम डालेंगे घी मोयन के लिए। अच्छे से हमें इसमें घी डालना है ताकि जो हमारी भुजिया है बहुत ही अच्छी कुरकुरी बने एकदम। तो उसके लिए इसमें घी डालूंगी मैं, लगभग 1/4 कप घी डाल दूंगी। तो ये लगभग 1/4 कप घी मैंने डाल दिया है। इसे अब हम इस आटे में पूरी तरह अच्छे से मिक्स कर देंगे। पूरे मैदा में हमने अच्छी तरीके से घी को मिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये बन रहा है। अब तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हम इसका आटा लगा लेंगे। टाइट आटा हमें लगाना है, उससे एकदम खस्ता गुजिया हमारी बनेंगी। थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते हुए इसको आटा लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने टाइट आटा लगा लिया है अच्छे से। अब इस पर थोड़ा सा घी इस तरह से लगाकर और इस आटे को हम रख देंगे लगभग आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए। इसे रेस्ट करने देंगे आधे घंटे के लिए और एक कपड़े से इसे हम ढक देते हैं। जब तक हमारा आटा जो है रेस्ट कर रहा है तो हम यहाँ पर हमारी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। मैं 2 तरह की स्टफिंग आज आपको बता रही हूँ। सबसे पहले बता रही हूँ मावा वाली स्टफिंग। उसके लिए यहाँ पैन में मैं डाल रही हूँ मावा। ये लगभग 1 कटोरी जितना मावा है। ये फीका वाला मावा है, ये मैंने घर पे ही बनाया है। आप चाहें बाज़ार से भी मार्केट से ला सकते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं आप। अब इसे हमें अच्छी तरह भूनना है, बस जैसे कि मावा भुना जाता है अच्छे से, बस वैसे ही हमें इसे भूनना है। अब जब ये मावा भुन रहा है तो इसमें मैं डाल दूंगी 2 छोटी चम्मच शुगर पाउडर, यानी कि चीनी वाला पाउडर। तो वो इसके साथ में मिक्स कर लेंगे और इसे भी इसके साथ भून लेंगे अच्छे से मावे में। चीनी आप कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसे भी आप खाते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं लगता तो मैंने इतनी डाली है। देखिए यहाँ पर मावे का जो कलर है वो हमारा चेंज हो गया, हल्का सा ब्राउन हो गया। अब यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ चुटकी भर इलायची पाउडर। गैस को पहले अब हम बंद कर देते हैं क्योंकि मावा भुन चुका है। अगर रखेंगे ऑन तो ये जल भी सकता है। उसके बाद में मैं डाल रही हूँ इसके अंदर कुछ नट्स। ये डाल रही हूँ मैं बादाम कट किए हुए पीसेस और किशमिश है कुछ। नट्स आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद है आप वो डालिए। और इसी के साथ में मैं डाल दूँगी थोड़ा सा नारियल का बुरादा। नारियल आप कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। मैंने मिक्सी में इसको इस तरह से बुरादा बना लिया है। तो ये मैं 1 चम्मच डाल देती हूँ। अगर आप नारियल पसंद करते हैं तो इसमें डाल लीजिए, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। सिर्फ मावे से भी स्टफिंग बना सकते हैं। इन सबको अब मैं अच्छे से मावे के साथ मिक्स कर लेती हूँ और ये हमारी एक स्टफिंग बनकर मावे वाली रेडी हो गई है। तो ये देखिए ये स्टफिंग हमारी तैयार। अरे हमारी दूसरी स्टफिंग, उसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप सूजी है। उसको मैंने अच्छी तरीके से भून लिया है गोल्डन ब्राउन होने तक। तो उसे भून लीजिए आप। थोड़ा सा इसमें घी डाल दीजिए 1/4 कप लगभग। तो उसको भून के लेना है आपको सूजी को। इसमें मैं डालूँगी यहाँ पर 1 कप चीनी का पाउडर। और लगभग 4 टेबल स्पून जितना नारियल का वही बुरादा जो हमने मावे वाली स्टफिंग में भी यूज़ किया है वो भी डाल दूंगी। साथ ही इलायची पाउडर डाल देंगे फ्लेवर के लिए। और इन सबको अच्छे से कर लेंगे हम अब मिक्स। आपको अगर घी जो है थोड़ा कम लगता है कि बिखरी बिखरी लगती है स्टफिंग, तो आप थोड़ा सा इसमें घी पिघलाकर ऐड कर सकते हैं ताकि ये जो हमारी स्टफिंग है वो एक दूसरे से बन जाए। तो यहाँ देखिए मिक्स कर लेने के बाद में मुझे घी यहाँ पर कम लग रहा है।
तो मैं थोड़ा सा घी और डाल लूँगी। अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप इसमें घी डाल लीजिए। और इसे अब मैं हाथों की मदद से ही मिक्स कर लूँगी, उससे ये बहुत आसानी से हो जाएगा। तो ये देखिए, ये अच्छे से घी डालने के बाद में अच्छे से बंध रही है अब। तो ये हमारी स्टफिंग सूजी वाली ये भी रेडी हो गई है। आप चाहें तो इसमें भी नट्स डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ये वाली स्टफिंग बिना नट्स के ही पसंद है, तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगी। ये देखिए कितनी अच्छे से अब ये बंध गई है, ये देखिए। तो ये वाली स्टफिंग भी हमारी रेडी हो गई। इस तरह से हमारे पास दो स्टफिंग हो गई तैयार। ये आधा घंटा हो गया है और हमारे आटा अच्छे से अब रेस्ट कर चुका है, तो इसे एक बार और ऐसे मथ लेती हूँ। और अब हम इससे गुजिया बनाने की तैयारियाँ करेंगे। तो यहाँ पर मैं छोटे छोटे से जो लोए हैं वो निकाल लेती हूँ, बॉल्स इसकी, जिससे कि हम उसे बेल लेंगे। इस तरीके से बॉल्स बना लेंगे। सभी आटे की लोई हमने बना ली है, अब हम एक एक करके लोई बेलेंगे। तो इसकी बेल लेना है हमें, न ज़्यादा मोटा न ज़्यादा पतला। और इसे हम बेलेंगे इतना लंबा कि जो हमारे पास सांचा है उससे थोड़ा बाहर ही ये जो हम बेल रहे हैं पूरी जितना वो रहे, ताकि हमें काटने में इसमें आसानी हो। जैसे कि ये हमने बेला है तो ये आराम से बाहर रहेगी बाकी के एजेस, ताकि इसे काटने में हमारे आसानी हो। तो इतनी बड़ी हमें बनानी है। और यहाँ पे जो स्पेस है इसके अंदर आप अच्छे से प्रेस करते हुए ही इस पूड़ी को अंदर डालिए, ताकि शेप अच्छे से निकल कर आए। तो ये मैंने कर दिया है। और अब यहाँ जो स्पेस है खाली, यहाँ पर हम हमारी स्टफिंग डालेंगे। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें हमारी मावा वाली स्टफिंग। इस स्पेस में जितनी स्टफिंग आ जाए हम उतनी ही डालेंगे, ताकि शेप ठीक से निकल कर आए। तो ये देखिए, ये स्टफिंग मैंने इसके अंदर डाल दी है। और इसे अब हम यहाँ पर ये जो साइड की एजेस हैं यहाँ पर, उनमें हम थोड़ा सा पानी हाथ में लेंगे और पानी से इस तरह से यहाँ पर लगा देंगे, ताकि ये अच्छे से सील हो जाए। सभी तरफ लगा देना है, ये देखिए इस तरह से चारों ओर लगा देंगे हम। और अब इसे हम कर देंगे बंद। बाज़ार में गुजिया बनाने के सांचे इजीली अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ये देखिए, अच्छे से इसे दबा देना है यहाँ से। और यहाँ से ये जो साइड की हमारा डो है एक्स्ट्रा, उसे निकाल लेना है। अब इसे हम खोल के देखेंगे। केयरफुली हमें ये प्रोसेस करना है। ये देखिए, बहुत ही आसानी से ये बन जाएगी। ये देखिए कितनी आसानी से ये बनकर हमारी गुजिया एकदम तैयार हो गई है। अब मैं आपको सूजी वाली स्टफिंग भर के दिखाऊंगी। मैं यहाँ पर आपको सूजी वाली स्टफिंग भर के दिखा रही हूँ। ये इस तरह से मैंने यहाँ पर इसमें डाली। बहुत ज़्यादा हमें नहीं भरनी है, ये आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये फट भी सकते हैं। और इसके बाद हमें यहाँ पर इसमें इस तरीके से पानी का हाथ में लेके और यहाँ पर लगा देना है, ताकि ये अच्छे से लॉक हो पाए। अब इसे हम बंद कर देंगे और अच्छे से प्रेस करेंगे एजेस पे,
साइड से एक्स्ट्रा निकला हुआ डो हम कट कर लेंगे, खोलेंगे ये देखिए, और हल्के हाथों से बिल्कुल इसे बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितनी आसानी से हमारी गुजिया बनकर तैयार हो गई है। ऐसे ही हम सभी को बना लेंगे। देखिए सारी गुजिया को हमने भर लिया है और तैयार कर लिया है, अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, गैस को मैंने लो ही रखा है, और तेल आपका बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम हॉट होना चाहिए। अब इनमें एक एक करके हम गुजिया डालेंगे। इन्हें हमें गोल्डन ब्राउन करना है और फ्लेम को जैसा कि मैंने बोला एकदम हाई नहीं रखना है, वरना जो हमारी गुजिया हैं वो बाहर से ही पक जाएंगी सिर्फ और अंदर से नहीं पकेंगी। गुजिया को ऐसे हल्के हल्के हम अलग पलग कर सकते हैं बीच बीच में, लेकिन ज़्यादा बार नहीं टच करेंगे, और एकदम से डालने के बाद टच नहीं करना है क्योंकि वो सॉफ्ट रहती हैं, उस वक्त थोड़ी सी पक जाएं उसके बाद में हम इन्हें इस तरह से पलट सकते हैं। आप देख सकते हैं हल्के हल्के कितना अच्छे से हमारी गुजिया पक रही हैं धीरे धीरे। देखिए आप इनका कलर देख सकते हैं, अभी इन्हें हमें अभी गोल्डन ब्राउन कलर करना है, तब तक के लिए इसे पकाएंगे, इसमें फ्राई करेंगे। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर हमारी गुजिया में अब आ गया है, तो ये मतलब कि रेडी हो गई हैं। अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे और बाकी गुजिया को भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। तो ये लीजिए आपकी गुजिया बनकर एकदम तैयार है, वो भी दो दो अलग तरीके की। जैसी भी स्टफिंग आपको पसंद हो वैसी ट्राई कीजिए, और दोनों पसंद हो तो दोनों का मज़ा लीजिए। बना लीजिए इसे त्योहारों पे या ऐसे ही खाने के लिए, सभी को ये बहुत पसंद आती है। और साथ ही अभी तो फेस्टिवल्स का मौका चल रहा है, तो इसे आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो इसे लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलूंगी ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय।